एक बात लिख लीजिए, ना तो फैसला किसी रिसर्चर ने लिखना होता है, ना ड्राइवर ने। ना ड्राइवर। अस्सलाम वालेकुम, शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल कयूम सिद्दीकी और आप हैं ए क्यू एस के साथ। मेरे साथ हैं जहांज़ेब अब्बासी और तैयब बलोच। 12 जुलाई को जो अक्सरीती फैसला आया था और फिर उसके बाद जो है वो दो दिन पहले जो दो फाजिल जज साहबान जस्टिस नईम इफ़ान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का फैसला आया है, उन दोनों फैसलों में वो दोनों जज साहबान का फैसला क्या आया, ऐसा लग रहा है मुख्तलिफ जगहों पे कि जैसे कि शायद ऑस्ट्रेलिया के किसी जंगल में आग लग गई है जो बुझने में ही नहीं आ रही है। एनीवेज़ बड़ी अजीबोगरीब सी गुफ्तगू हो रही है उसके ऊपर, और इसके अलावा जो फेक न्यूज़ है प्रोपेगेंडा वो भी अपने ज़ोर शोर के ऊपर है। मामूल की चीज़ों को पता नहीं क्या बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, तो इसी पे बात करेंगे। आज शरीयत बेंच का भी जो है वो उसने अपने काम शुरू किया, और इस हवाले से अब जो अरशद शरीफ के केस के ऊपर जजेस कमेटी के मीटिंग मिनट्स थे जजेस कमेटी के 1 अगस्त के, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिए हैं। और ये बड़ी एक हम जिसको कहते हैं ना कि ट्रांसपेरेंसी की तरफ, जो जब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा ने बतौर चीफ जस्टिस अपना ओहदा संभाला, उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, जजेस कमेटी के रूल्स और उसके अंदर आइंदा मुकदमात की समाअत का तरीका कार क्या होगा, चीफ जस्टिस का इख्तियार डाइल्यूट किया अपने ब्रदर जजेस के साथ, और उसके बाद एक अरसे तक तो बड़े जो है वो कानूनी तौर के ऊपर चीज़ें जो है वो सेटल होती रही, लेकिन फिर अचानक से ये 12 जुलाई के फैसले के बाद की बदलती सूरत हाल ने जो है वो वही वाला फैसला मखसूस नशिस्त किसी मुसव्विर का शाकार, ड्रीम गर्ल का शायर की गज़ल, कमल क्या खिलता हुआ कमल, किसी तख्लीक पेमंतकारी कौन सी वाली दर्जीपन और उस फैसले की जो है वो उधेड़ 16 सवालात के ज़रिए, लीगल क्वेश्चंस के ज़रिए से, तो इस पर बात करेंगे। और जहांज़ेब अब्बासी साहब से पूछते हैं, पहले तो शुरू करते हैं कि ये भी तनकीद हो रही थी काजी फ़ैसल अरशद शरीफ का केस क्यों नहीं सुन रहे, जब मंसूर अली शाह साहब के पास लगा तो मंसूर अली शाह साहब ने क्यों नहीं सुना और जस्टिस मुनीब ने भी नहीं सुना, दोनों जज साहबान ने अलग कर दिया, और जस्टिस मंसूर के सामने जब केस लगा, अमूमी तौर पर तो हमने तो रवायत यही देखी है कि जब कोई जज अपने आप को किसी मुकदमे को सुनने से अलग करता तो उसकी वजूहात जोर देता है वो। बहरहाल जी, नया दौर है, नई कहानी है और नया दौर शुरू होना है। कुछ लोग ऐसे ही गप्पे मार रहे हैं कि जनाब पता नहीं क्या जो जिस तरह से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसेस जो हैं वो सीनियरिटी प्रिंसिपल से हटके लगाए गए, वैसा शायद सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है, तो ये आईनी कानूनी मामलात हैं, इनके ऊपर बात करते हैं। तो जनाब जहांज़ेब अब्बासी साहब, ये जो जजेस कमेटी है इसके जो मीटिंग मिनट सामने आए हैं, तो इस बारे में अब क्या चीज़ खुल के सामने आई है, क्यों अरशद शरीफ का केस दो जज साहबान ने कहीं और लगाने के लिए कहा, और काजी फ़ैसा का क्या कहना था उसमें? जी, दोनों आरा जो है वो हम अपने नाजरीन तक रखते हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ैसा साहब ने जो इख्तलाफ किया है उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि जब भी किसी केस में आईनी तशरी का सवाल हो और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, और वो आईनी तशरी जो पहले सुप्रीम कोर्ट में कभी उस मामले के ऊपर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस ना आया हो, तो उसके लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा। और ये असूल तय हुआ था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की जो दूसरी मीटिंग थी, जो सेकंड मीटिंग थी, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ जी साहब, सरदार तारिक मसूद साहब और
इजाजुल एहसन साहब से आके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के नीचे कमेटी ने अपने रूल्स बनाने थे। जी जी जी, और उसके लिए ये असूल तय हुआ था कि 5 रुकनी लार्जर बेंच आइनी तशरी के सवाल अगर कोई आया तो उसके ऊपर 5 रुकनी बेंच या इससे बड़ा बेंच सुना जाएगा, वो केस सुनेगा। तो चीफ जस्टिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर भी है। जी जी, कम अज़ कम 5 जी और फिर उसके या उससे बड़ा। तो इस मामले के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की ये राय जो मिनट्स में सामने आई है कि अरशद शरीफ केस में ऐसा कोई आईनी तशरी का सवाल नहीं है। अब हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, उमरता बंदयाल साहब के दौर को देखते हैं। उमरता बंदयाल साहब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया और फिर कुछ प्रॉक्सी पटिशंस भी आईं, उन्होंने उन पटिशंस को इंटरटेन करके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को सस्पेंड कर दिया और उसको सस्पेंड किए रखा। फिर उसके बाद अरशद शरीफ केस के ऊपर सो मोटो लिया गया और 5 रुकनी बेंच बनाया गया। तो उस जो जितने भी ऑर्डर्स अरशद शरीफ केस में अभी तक हमारे सामने आए हैं, उन ऑर्डर्स में भी हमें ये झलक नज़र आती है कि उस वक्त के 5 रुकनी बेंच का ये व्यू था कि हम इस केस में सिर्फ फैसिलिटेशन का किरदार अदा कर रहे हैं। हमने सिर्फ ऑर्डर भी उनका यही था जी, और हमने इस पर सहूलतकारी की हद तक जो है या एक सहूलतकार के तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस मामले को देखना है, क्योंकि GIT बन गई थी और हम उस जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है हम उसमें नहीं जा सकते। तो अब वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून उमरता बंदयाल साहब ने अपने पूरे टेन्योर में सस्पेंड रखा और उन्होंने खुद से, क्योंकि मास्टर ऑफ द रोस्टर का कॉन्सेप्ट उस वक्त ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही बादशाह है, वो जो करे कर सकता है। तो अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के बाद अब ये असूल तय हुआ है कि आईनी तशरी के मामले के ऊपर 5 रुकनी या इससे बड़ा बेंच जो है वो केस सुनेगा। तो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने ये इख्तलाफ ये किया है कि इस केस में, अरशद शरीफ केस में, आईनी तशरी का कोई सवाल नहीं है, लिहाजा 3 रुकनी बेंच भी सुन जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था वही इस केस को सुने। अब जस्टिस मुनीब साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये व्यू है कि पहले ये 5 रुकनी बेंच सुन चुका है तो इसीलिए उसको ही सुनना चाहिए, और उस बेंच में जस्टिस जमाल खान और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र जो हैं वो सुन चुके हैं वही हों। तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का ये कहना कि पहले जो 5 रुकनी लार्जर बेंच था वही सुने, तो अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के बाद सूरत हाल तब्दील हो गई है, अब 5 रुकनी बेंच तब बनेगा जब कोई आईनी तशरी का सवाल होगा। तो ये बड़ा वैलिड एक एतराज़ चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की जानिब से किया गया, लेकिन क्योंकि वो अक्सरियत में नहीं थे और अक्सरियती दो मेंबरान मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह साहब ने, फिर 5 दो वो जजेस जमाल खान बंदोखेल साहब, मोहम्मद अली मज़र और 3 दीगर नाम दिए और फिर वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो गया। जी हाँ बिल्कुल। अब ये जो अक्सरियत, अच्छा ये भी बड़ी हो रही है तनकीद जनाब के अक्सरियती फैसला जो है वो होगा भाई, पाकिस्तान की इस तारीख जो है बिल्कुल अक्सरियती फैसला कोई इस बात से कर नहीं रहा कि जब अगर ये रहेगा तो वो अक्सरियती फैसला इम्प्लीमेंट होगा। मेरा एक सवाल यहाँ पे बच रहा है। हाँ मैं वो कह रहा हूँ कि अक्सरियती फैसले अगर देखे जाएँ तो माजी हाल के अंदर कई ऐसे अक्सरियती फैसले, मैसे मुझे एक बात बताएं कि जो मार्शल लॉ को जायज़ करार देने के फैसले सारे अक्सरियती फैसले थे। बिल्कुल ठीक है ना, भुट्टो की शहीद, हाँ हम उनको गलत क्यों कहते हैं, सही है, उसके ऊपर तनकीद क्यों करते हैं। मौलवी तमीज़ुद्दीन केस के अंदर जो है वो अक्सरियती फैसला तो किसी और तरफ था। बिल्कुल, उसमें जस्टिस एआर कॉर्नेलियस इख्तलाफी फैसला था, आज जस्टिस एआर कॉर्नेलियस की डंका बजता है। जी अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस के अंदर भी जो है अकलियत के अंदर जो जज साहिबान थे उन्होंने इख्तलाफ किया था, वो कौम के हीरो हैं आज, वो कौम के हीरो हैं। बिल्कुल, इवन सफदर शाह साहब जो कि अपना अतर मिनल्ला साहब के ताल्लुकदारी भी है एक हवाले से उनकी, सही है ठीक है, उनका भी बड़ा नाम जो है वो लिया जाता, वो भी अकलीती फैसला था। तो अभी हम देखते हैं कि पैनामा के अंदर जो है अक्सरियती फैसला था। बिल्कुल, वो उस फैसले का क्या हुआ, क्या हुआ ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद 63A का जो फैसला है वो भी अक्सरियती फैसला है। बिल्कुल ठीक है, जिसके अंदर आइन री राइट किया गया, तो उसको वो भी अक्सरियती फैसला, उसको क्यों गलत कहते हैं, फिर ये भी सवाल आ जाएगा। मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो जो ऑस्ट्रेलिया के जंगल के अंदर आग लगी हुई है, नैब तरमीम, हाँ अभी जो नैब तरमीम का फैसला था वो भी अक्सरियती फैसला जो है वो आया, उसको गलत कहते हैं, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का डाइसेंट नोट है। बिल्कुल ठीक है, उसको लोग ठीक कहते हैं। तो ये डाइसेंट करना कोई जुर्म कर दिया,
और पता नहीं ना जाने क्या क्या जो है ना ऐसा कहानियां और वो घड़ी जा रहे हैं, ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे ये तारीख में पहली दफा कोई नोट डिसेंट किया गया हो या ये इख्तलाफी नोट आए हो। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं ये तो माजी हमारी तारीख पूरा भरा हुआ है, अदालती नजायर भरे हुए हैं इस हवाले से। जो हक पे जज होते थे वो अपना फैसला लिखते थे, जो नजरिया जरूरत के तहत होते थे या जिन्हों जो आइन के साथ दर्जी पुना करते थे वो भी कौम के सामने सारे हुए। और हमने देखा कि कौम ने उन जजेस को हीरो माना जो आइन के साथ खड़े रहे, बेशक वो अकलियत में थे। और हमने देखा हमेशा तारीख में दुरुस्त सिमत पे, तरीके दुरुस्त सिमत पे हमेशा कम लोग होते हैं लेकिन बड़े जुरतमंद होते हैं। अब ये देख लीजिए ना कि ये जो मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर भी जजेस कमेटी ने जो पेंडिंग किया कि ना इसको ईद कह रहा हूँ ये छुट्टियों के बाद गर्मियों की लगाया जाए, उसके अंदर भी दो व्यूज़ हैं बिल्कुल, जो कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत छुट्टियों को फौकियत दे रहे हैं आईनी हक हक पे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का रिव्यू जो है वो 188 के नीचे आईनी हक है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर कानूनी वो भी है। अब ये भी राय एक कानूनी राय है, दूसरी तरफ जो है मुस्तकबिल के दो चीफ जस्टिस उस राय को जो है रूल्स को आईनी हक के ऊपर और कानून पर बरतरी दे रहे हैं। आप बेशक दे लें, आप अक्सरियत के अंदर आप ले जाएं, लेकिन कानूनी और आईनी फैसला वही है जो जस्टिस काजी फैसा ने किया। बिल्कुल, देखिए मुझे तो बड़ा मैं ये सोचता हूँ कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस अभी से आईन और कानून को पसे पुछ डाल रहे हैं, तो जब ये चीफ जस्टिस बनेंगे तो आईन और कानून का क्या बनेगा, मैं ये सोचता हूँ। और इसलिए ये मेरा सवाल नहीं है, ये पूरी आवाम का सवाल है और ये पार्लियामेंटेरियंस को भी सोचना चाहिए कि यार वो जज जो अभी से, अभी उनके पास इख्तियार भी नहीं आया लेकिन अभी से वो आईन और कानून की बजाय कुछ और चीज़ों को फुकिया दे रहे हैं, वो एक तखयलाती आइन उन्होंने अपने दिमागों में समोया हुआ है जिसकी बिना पे वो रिलीफ भी दे रहे हैं और वो चार्जशीट हमारे सामने आ गई जो 16 नुकाती चार्जशीट है बेसिकली। तो अब ये चीज़ हमारे, मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ इस पार्लियामेंट के ऊपर कि चूंकि पार्लियामेंट माँ है ठीक है और आइन का तहफ़ उन्होंने करना है, वो आइन साज भी है, हलफ लिया है, अगरचे इन जजेस ने भी आइन से वफादारी का हलफ लिया है लेकिन ये अगर अपनी हलफ के खिलाफ जाते हैं, अपनी वफादारी के खिलाफ जाते हैं आइन से, मैं ये सदीकी साहब कहने में हक बजाने हूँ एक लेटर मोड में कि वो एक बलोची गाना भी है काना यारी वाला कि यारी या फिर गद्दारी ठीक है ना, तो इसको वो दूसरी गद्दारी ना करार दिया जाए लेकिन आइन से या यारी निभाएं या आइन से, फिर यारी नहीं निभाते तो फिर आइन से गद्दारी होगी, सिंपल सी बात है और ये चीज़ हमें नज़र भी आ रही है। तो इनको सोचना होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो काजी साहब हैं असल में बेसिकली काजी फोबिया हो चुका है हमारे कुछ दोस्तों को भी, और वो एक हवा में चीज़ें क्रिएट की गई थी, एक्सटेंशन वाली बात थी और उसमें शाहजी शायद कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो गए थे या जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की ओपिनियन उनको ज़्यादा वैलिड लगी थी कि वो अभी चीफ नहीं। देखें मैं एक बात बताऊं, कोई पार्लियामेंट का हक है कानून साजी करना, पार्लियामेंट का हक है ठीक है, अगर ऐसी बात ही थी धोती तो फिर ये केस ही फिक्स ना होता ठीक है, गवर्नमेंट के पास नहीं थे, अगर गवर्नमेंट के साथ मिलके खेलना होता सही है तो ये केस ही फिक्स ना होता ठीक है, और अगर फिक्स होता भी तो अब कोई ऐसा बेंच बना देते। अच्छा, नहीं एक और बात तो देखे मतलब काजी साहब की, अगर सपोज करो काजी साहब की यहाँ पे कहीं पे कोई बदनीयती होती जैसे हमारे दोस्त आजकल काजी फोबिया के शिकार में प्रोपेगंडा कर रहे हैं, वो तो, नहीं करेंगे अच्छा, तो उनके व्लॉग्स चलेंगे अच्छा, कैसे बिल्कुल आप सच कह ठीक कह रहे हैं। अच्छा मैं तो बहुत मुतफिकर हूँ कि जब काजी साहब रिटायर हो गए अक्टूबर के अंदर तो ये करेंगे की हाँ पता नहीं अब फिर वो कौन सा चूरन बेचेंगे, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि देखें इस बेंच बनने के फौरी बाद कुछ नए जज सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, आपके सामने आए हैं ठीक है, अगर ये काजी साहब ने ये केस फिक्स करना था, अगर उनके माइंड में कुछ ऐसा होता तो वो पहले उनकी अपॉइंटमेंट करके तो फिर ये केस बना लेते और अपनी कैलकुलेशन कर लेते कि मैं जो है ना वो अक्सरियत में रहूं। उनके माइंड में तो ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि यार ये जज जो हैं जो आइन से वफादारी का हलफ लेके बैठे हैं या इनके खिलाफ भी जा सकते हैं और वो चले गए ठीक है, और तारीख भी रकम हो गई। और फिर मैं शाबाश देता हूँ, जुरतमंदाना नोट लिखा है हमारे इन दो जजेस ने, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने
और जस्टिस नईम अफगान ने, एक ने बलूचिस्तान का सर बुलंद किया है और एक ने हमारे सरायकी वसेब का सर बुलंद किया, जो हकीकत बात है, और वो हीरो हैं कौम के। उन्होंने बता दिया कि तरीके इंसाफ के लिए जो रिलीफ दिया गया, जो सहूलतकारी हुई, वो किस तरीके से हुई और कैसे मावरा आइन, जिसको आप कह रहे थे कि वो किसी शायर की नज़म, शायर की गज़ल और एक मावरा आइन, ठीक है, तो वो चीज़ें उन्होंने कौम को बता दी हैं कि ये क्या हो रहा है। और फिर जी वो अभी तक मतलब बह के सब जो है ना वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये कर दिया, अच्छा, वो कर दिया फैसले। अच्छा, फैसले तो ये हैं, लेकिन मैं काजी साहब वाली उस पर आता हूँ। हमारे कुछ दोस्तों ने जो आजकल नए नए युथियापे का शिकार हुए हैं, और ये बात नहीं मैम, चलो उस लाइन पे चले गए हैं, सिंपल सी बात है, तरीक की दुरुस्त सिमत पे थे वो किसी दौर में। हर आदमी को अपनी राय की आज़ादी का हक है, उसमें क्या नहीं आज़ादी का हक है, लेकिन कमर्शलाइजेशन ने ना तो वो उनकी सहाफत भी बहुत हद तक उस पर दाग लगा दी है कमर्शलाइजेशन। अब हो क्या रहा है कि उन्होंने वो ऐसा प्रोपेगेट कर रहे हैं, मतलब आज की मैं बात बताता हूँ कि एक प्रोपेगंडा किया गया कि काजी फैज ईसा ने इस फैसले के बाद गुस्सा निकालना शुरू कर दिया, जस्टिस अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन उन्होंने कहा जस्टिस मुनीब अख्तर पे और जस्टिस मंसूर अली शाह पे। भाई वजह क्या है जी, वो क्या है जी, जस्टिस मंसूर अली शाह से उन्होंने जो है वो लॉ एंड जस्टिस कमीशन, नहीं वो तो वो भी है, लेकिन लॉ एंड जस्टिस कमीशन ADR जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी थी, उसको उनसे रिमूव कर दिया है। अच्छा, लेकिन खबर क्या है, हकीकत ये प्रोपेगंडा है, हकीकत क्या है कि सही मंसूर अली शाह ने खुद कहा है कि मैं ये रिस्पांसिबिलिटी पूरा नहीं कर सकता, आप किसी और जज को लगा दें, तो वो जस्टिस याह्या खान अफरीदी और फिर अल्टरनेट उस कमेटी पे दूसरे जजेस को लगाया गया। एक दूसरा प्रोपेगंडा आज ही के दिन एक और प्रोपेगंडा किया गया, जिसे मैं प्रोपेगंडा नहीं कहूँगा, मैं डिजिटल अब दहशतगर्दी कहूँगा, क्योंकि रियासत भी इनको अब डिजिटल दहशतगर्द मान रही है। अच्छा, तो दूसरी ये दहशतगर्दी की गई कि जी वो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर से ड्राइवर, रिसर्चर और मंसूर अली शाह से भी रिसर्चर ले लिया। अब हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में तो कानून और आइन को फॉलो किया जाता है। ये तो साकिब निसार साहब के दौर के अंदर जो है वो एक रिसर्च सेल बना था, जिसमें चार रिसर्चर जो है वो भर्ती किए गए थे, डेपुटेशन पे आए, डेपुटेशन के ऊपर आए थे, और उनकी डेपुटेशन खत्म पीरियड हो गया, तो वो वापस अपने वहाँ चले गए। सही बात, तो लेकिन अब इसको इस फैसले से जोड़ना और ये प्रोपेगंडा करना और अपने व्यूज और कमर्शलाइजेशन के लिए इसको देखिए साहब, अब मैं किस सहाफत के खाते में डालूं, बात ये है। आप देखो, मैं एक शेर पढ़ूंगा कि ऐ तारे लहूती, और जो है ना ड्राइवर वापस लेने से जैसे मुनीब अख्तर फैसला नहीं लिख पा रहे नहीं, अब तो रिसर्चर भी चले गए यार, बंदा पूछे नहीं, बंदा पूछे जरा मखसूस नशिस्तों का फैसला है वो जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिख रहा था, ड्राइवर ने नहीं अच्छा मैं सर ये जो तो ये बोलो सब जो बात कर रहे हैं, मेरा वैसे व्यू ये सर मेरा ये व्यू है कि हर किसी का एक अपना ओपिनियन है और उनकी एक राय है, तो एक तो मेरे ख्याल में हम सबको अपना जो अपनी राय जो है उसको अदा करने का उसका हक हासिल है। लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट अब तक किया गया, जो जिसको मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बहुत ज़्यादा हवा दी, और कि जी कोई जुडिशल पैकेज वाली बात हो रही है, इसके ऊपर मैं एक कमेंट ये ज़रूर करना है, तो पार्लियामेंट का हक है यार, वो जो सा मर्जी जुडिशल पैकेज लाए, मतलब ये हमारे अच्छे दोस्त हैं जो ये कह रहे हैं कि जनाब किसी आईनी तरमीम के खौफ से जो है अब ये फैसला आ गया, अब आईनी तरमीम नहीं हो सकी, आईनी तरमीम नहीं हो सकी। सर मैं ये जब बेंच बना, जब बेंच बना ना, जब बेंच बना उस टाइम ये परसेप्शन मैनेजमेंट की गई थी कि काजी फैज ईसा को अब इसमें नहीं बैठना चाहिए क्योंकि वो जुडिशियल कोई पैकेज आना है। अच्छा, उसके अंदर भी पता है जजिस कमेटी के अंदर क्या हुआ था, उसमें भी ये तजवीज़ आई थी। आपको पता है आप एक इवेंट के गवाह भी हैं, है ना, जहाँ से अब्बासी साहब, वो खबर फीड की गई थी, मैं आपको बात बताऊं। अच्छा। जब तफसीलात सामने आई उसमें भी जब ये बात हुई तो उन्होंने कहा कि जनाब ऐसा करते हैं कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो फिर ऐसे जज जिनको फ़ायदा पहुंचता है या जिनको नुकसान होता है वो छः हैं, उनको हटा के तो बाकी बेंच बना देते हैं। आपको पता है इसके ऊपर चीखें निकल गई थी, इतनी ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू किया, उन्होंने कहा कि सीनियर जज का जो है ना वो
मौजूदगी बेंच की सरबराई उसका लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी के अंदर आता है। जस्टिस मुनीब अख्तर की बाहर तक जो है ना आवाज़ें गई। सर यही बात कर रहा हूँ, तो अगर खौफ या लालच की बुनियाद के ऊपर फैसले नहीं दिए जाते और exactly. ये और यही तो जजेस का ओथ है कि एक जज और हमारे दोस्त जो हैं वो ये बात पे डोंगरे बिछा रहे हैं, वो काजी साहब ने तो रिटायर हो ही जाना है और तुसी अगले आने वाले चीफ जस्टिस के बारे यह तासुर दे रहे हो कि ये लालच या खौफ की बुनियाद पर फैसले देते हैं या हमारे आने वाले चीफ जस्टिस को। बात करो कि भाई लीगल प्लेन के ऊपर अगर आपके पास कोई वजाहत है तो जरूर दें आप। ऐसे ही है, तो ये जो आर्गुमेंट जो दिया गया ना कि ये जैसे कोई लालच या खौफ में फैसला दिया गया है, ये बहुत डेंजरस एक तरह से हम इसको आर्गुमेंट कह सकते हैं। और सिर्फ यही एक मामला नहीं है, आप हर मामले पे देखें। अब जैसे एडहॉक जजेस की आप मिसाल ले लें, ये दो जजेस जब अपॉइंट करने का मामला आया तो उस वक्त हम सब जानते थे कि मंसूर अली शाह साहब इन लाइन थे, इसीलिए 8-1 से जो है वो फैसला आया। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तजवीज़ को आगे बढ़ाया गया था और ये जस्टिस सरदार तारिक मसूद और मजहर अल्लाह मियाँ खेल साहब का एक ख़त का भी हवाला इस जो जजेस कमेटी के जो मिनट्स हैं उसमें उसका हवाला दिया गया है कि उन्होंने ख़त लिखा और कहा कि आप हमारे सामने रोज़ाना 10 केसेस लगा रहे हैं और वो 10 केसेस तो हम एक घंटे में उनको सुन के उनको डिसाइड कर रहे हैं, तो आप केसेस की तादाद बढ़ाएं। तो फिर ये फैसला हुआ है कि 1100 पुराने केसेस जो हैं उनको जो है वो वक्तन फवक्तन इस बेंच के सामने लगाया जाएगा। तो ये वो बहुत अहम इशू है और ये वो आम आदमी के मुकदमात हैं जिसको रिलीफ चाहिए, जिसके अभी आज भी जो है ना वो एक वो क्या मेरे ख्याल में माइनर था जब उसने को मर्डर किया था, उसको सजाए मौत हुई थी और वो आज 20 साल के बाद केस लगा जिसमें उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है। तो मतलब ये किसी को नजर नहीं आ रहा है, वो जो नई तरमीम हुई उसका खौफ है। तो ये सर वो आम लोगों के केसेस हैं जिस हवाले से सुप्रीम कोर्ट अगर कोई स्टेप उठा रही है तो इसको भी सियासी रंग दे दिया जा रहा है। और आपको याद होगा पीटीआई ने इसके ऊपर क्या, उन्होंने कहा जी कि हम इन एडहॉक जजेस के खिलाफ कंप्लेंट्स फाइल करेंगे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। तो अब वो कंप्लेंट्स किधर गई, वो सब सियासी बयानबाजी थी और वो सब कुछ जो है वो सिर्फ ये मकसद ये था कि इस पूरे मामले पे चीफ जस्टिस काजी फैदीसा को। यार वो सुना था सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की मीटिंग भी होने वाली है, कोई पता लगा कब तक हो रही है क्या? इतलात सर यही है कि छुट्टियों के बाद ही जल्द ही जो है वो इजलास बुलाया जाएगा और उसमें बहुत अहम कंप्लेंट्स हैं जिसके ऊपर जायज़ा लिया जाना है। इस पर कुछ सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस हैं उनके हवाले से भी कुछ कंप्लेंट्स हैं, इसके अलावा हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से भी कंप्लेंट्स हैं और फिर उसके बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके खिलाफ साहब के खिलाफ भी एक वो एक सवाल है आपसे। हाँ जी, ये जो एक जजमेंट है आप इसके बारे में एक तो टर्म यूज़ करते हैं और दूसरा वो टर्म भी बता दें कि ये जजमेंट की हैसियत क्या है और दूसरा जो हाँ पर अच्छा वो अच्छा 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 ठीक है वो आप हाँ आप समझ गए। ये कह रहे हैं कि जनाब ये कहा जा रहा है कि ये पहली दफ़ा देखा है एक टीवी शो में बैठ के कोई शख्स कह रहा था कि जनाब पहली दफ़ा देखा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है आइनी इदारों को कि वो अमल दरामद ना करें ठीक है ना, और आपने रीज़न भी बताई थी कि ये जजमेंट जो है वो इन क्या इनक्यूरियम हाँ तो वो भी बता दें थोड़ा वजाहत कर दें। अच्छा ये जो है ना मेरा ख्याल है कि ये हमारे जो असहाब जो इस किस्म की बात कर रहे हैं या तो वो नाबलद हैं या जानते बूझते चीज़ों को जो है वो डिस्टॉर्ट कर रहे हैं या उनको अदालती तारीख का या अदालती नज़ायर का जो है वो नहीं पता है। अब मैं आपको 2007 की एक जजमेंट का हवाला देता हूँ जहाँ पे जो कि 14 रुकनी जो फुल कोर्ट है उसकी जजमेंट है, वही जो जिसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ के इकदाम को गैर आइनी करार दिया गया था। आपको पता है कि बहुत सारे हमारे जो अभी यूट्यूब के पैदावार हैं उनकी शायद पैदाइश से भी पहले की ये बात है, लेकिन सहाफ़ती पैदाइश की बात कर रहा हूँ, सहाफ़ती पता नहीं उनको साफ़ी कहा जाए या नहीं। आपको पता है 3 नवंबर 2007 को जब इमरजेंसी प्लस लगा के मुशर्रफ ने किया था तो उसके बाद जो है वो जजों को 60 जजों को नज़रबंद कर दिया गया था, ठीक है, और फिर उस वकला तहरीक के बतन से ही जो है वो 3 जज साहब जन्म लिया। यार तू हंस क्यों रहे, मैं तो ऐ थोड़ी कह रहे हैं कि जैसे ड्राइवर से फैसला लिखवा इसलिए ड्राइवर तब्दील होने पे इतना मसला हो गया।
अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, उसके अंदर आपको पता है कि अब्दुल हमीद डोगर साहब फिर गैर आइनी चीफ जस्टिस बने थे, जिनको कहा गया कि ये गैर आइनी चीफ जस्टिस हैं। उनकी सरबराही में एक फुल कोर्ट ने टिक्का इकबाल केस के अंदर फैसला दिया था, जिसके अंदर उस एमरजेंसी को जायज़ करार दे दिया गया था, यानी कि गैर आइनी इकदाम को जायज़ करार दिया गया। उसके बाद जब बद्दिया बहाल हुई 2009 में, और फिर उसके बाद फुल कोर्ट बना सिंध हाई कोर्ट बार वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जो जजमेंट है सही है, उस 31 जुलाई 2009, ठीक है, उस जजमेंट के अंदर जहां जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इकदाम को गैर आइनी करार दिया गया, और उसकी बुनियाद पर फिर आगे जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ हाई ट्रिब्यूनल का केस चला, उस फैसले के अंदर लिखा है कि जनाब अगर कोई ऐसा फैसला जो आईन और कानून से बरक्स हो, वो फैसला जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद का पाबंद नहीं है आईनी इदारा। 31 जुलाई 2009 वाली नौ की जजमेंट जो सी है, तो लिहाजा, और वो इससे बड़े बेंच की जो है वो जजमेंट है, सही है, तो लिहाजा ये एक आईनी नजीर मौजूद है। और यानी 8 से वो बड़ा बेंच था ना? हाँ हाँ, अब 8 ये 13, ये देखो ना, ये तो फुल कोर्ट है ना, सही है, लेकिन ये वो 14, यस 14 जजेस का, तो यानी कि वो फैसला बाउंड है। अब वो वैसे भी मतलब अदालती, कोई मैं उसको नहीं कहता, लेकिन ये हमारे पास अदालती नजीर मौजूद है, जिसके अंदर ऐसे फैसले जो आईन और कानून से हटके हों और जिनका इख्तियार समात ना हो उनको, सही है। देखें ये दो जज साहबान जो है ये क्या कह रहे हैं, ये यही कह रहे हैं कि 175 और 185(3) बिल्कुल से हट के हम जो है वो और 3 शिकों को मुअत्तल करके किए बगैर ये रिलीफ जो है वो नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, तो लिहाजा वो ऐसा फैसला। और फिर आप देखिए कि जो फौजी अदालतों को जायज़ करार देने वाली जो 20वीं तरमीम थी, उसके अंदर भी जो है वो जज साहिबान ने कहा था कि भाई ऐसे फैसले जो कि कोरम नॉन जुडिस हों, हम इसको कहते हैं कानूनी जुबान के अंदर कोरम नॉन जुडिस, यानी कि एक ऐसा इख्तियार जो है ही नहीं आपके पास जिस अदालत के, वो कोई फैसला ऐसा करे तो वो कोरम नॉन जुडिस कहलाता है। तो अब ये तो अदालती नज़ायर मौजूद है। अब मुझे पता है जिन लोगों के इल्म में है ये बात, उनको इल्म है, लेकिन जानबूझ के वो इस तरह का जो है ना ड्रामा क्रिएट करें, तो लिहाजा जो फैसले पर इनक्यूरियम, इसको लीगली कहते हैं पर इनक्यूरियम, सही है, तो ऐसे फैसले जो आईन और कानून से हटकर और इख्तियार समाज से बाहर निकलकर किए जाएं, उसको मानना लाजमी नहीं है। तो ये मैंने कहा आपने पूछ लिया, नहीं ये जरूरी, तो मैंने अपनी एजुकेशन के लिए जो है, और फिर व्यूवर्स के लिए भी, ताकि वो भी अंडरस्टैंड करें कि क्यों और किस तरीके से, क्योंकि एक साइड पे प्रोपेगंडा हो रहा है तो दूसरी साइड से सच जाना चाहिए। चलें ठीक है, बस इसी मौके इसी बात पे मैं एक कमेंट करना चाहूँगा इस मखसूस नशस्तों वाले फैसले के ऊपर। ये जो दो जजेस की जानिब से इख्तलाफी नोट में ये कहा गया है ना कि ये रिलीफ क्रिएट किया गया है, ये इसलिए भी वैलिड नज़र आता है कि अगर ये 8 जजेस SIC की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर इशूज़ बेंच को क्या होने थे। पहला इशू बेंच को ये होना था कि SIC का अपना सरबराह, उसने इलेक्शन नहीं लड़ा, फहरिस्तें उन्होंने टाइम पे जमा नहीं करवाई और कोई एक जनरल सीट तक नहीं जीती, और ना तो उसको क्लेम किया, फिर चार जो खाते लिखे किया, तो इसीलिए फिर इनको ये क्रिएट करके वो फिर PTI तखलीक करके फिर ये मामला PTI के शाहकार तखलीक करना पड़ा। जी इसी के मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन इसमें जो है ना, बहरहाल जी हम तो कहते हैं कि नकालों से होशियार हैं जी। और एक बात लिख लीजिए, ना तो फैसला किसी रिसर्चर ने लिखना होता है, ना ड्राइवर ने, ना ड्राइवर। और अगर कोई जज इस बुनियाद तो फैसला ना लिख सके कि यार मेरा ड्राइवर अतर मिला साहब ने तो कितने दिन गुजर गए, 6 माह गुजर गए, 223 दिन वो भी फैसला नहीं लिख सके। आप बंदा पूछे वो तो ड्राइवर नहीं सी उन्होंने को क्यों नहीं या उनका ड्राइवर छुट्टी पे था। तो जनाब बस इस नसीहत के साथ के नकालों से होशियार रहे। शरा दस्तूर से अब्दुल कयूम सिद्दीकी, एक लाइफ से इजाजत दीजिए, अल्लाह।